नसीब मिल्लत अलहाज बरिश रसूद्दीन ओवैसी साहब एमपी व सदर कुलीम अली से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर मैं कामा टीपुरा पीएस को आया। उनके पास एक कंप्लेंट गई थी कि पुराना पुल वीरपुत्रा महाविद्यालय के पास एक बच्ची को कोई गाड़ में से पकड़ छोटी बच्ची को पकड़ के खींच रहे थे या कोई फ़ोटो ले रहे थे, तो उन लोगों ने एक आदमी को पकड़ कर यहाँ पर दिया, लेकिन पुलिस में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और तमाम पार्टी वाले के जो लोग थे वो मेरे पास घर पर आए थे, उनको लेकर मैंने कामाटीपुरा पीएस में आया। यहाँ के जो इंचार्ज एसएचओ है जो हुसैन आलम पीएस के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर है, उनसे मैंने बात की यहाँ पर। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं केस में थरोली, मैंने उनसे यही कहा है थरोली इन्वेस्टिगेशन कर इस केस पे एक्शन लीजिए आप और सख्त से सख्त एक्शन लीजिए। मैंने उनसे कहा, उन्होंने वादा किया कि वो थरोली इन्वेस्टिगेशन करेंगे, करने के बाद एक्शन लेंगे उस पर। स्कूल को नहीं पढ़ते थे सारे, ऐसी पीने वाले ऐसी है वो है बोल के, अभी जा रहे तो अभी 8 दिन नहीं हुआ बच्चों को जाके स्कूल, ऐसी करे सार कैसी करना बोलो क्या कुछ लेते नहीं, बच्चे को छेड़खानी कर रहे कहते, बच्चों को पकड़ के इशारा कर रहा कहते, फोटो अभी गलीज बातें कर रहा कहते, वीडियो बिता रहा कहते सार, 3 दिन से यहाँ पे अंदर बैठे हुए सार। पुराना नहीं है नया ही दिख रहा हूँ, 3 दिन से आ रहा कहते, बच्चों को सता रहा कहते, फोन बिता रहा कहते, फोन में गलीज वीडियो बिता रहा कहते। आपके इलाके में आने का क्या मकसद, उनका घर वहीं है क्या? नहीं है सार, उनका तो घर यहाँ नहीं है सार। कहाँ का है कि क्या है कि हमारे को नहीं मालूम, बच्ची कल भी मेरे को बिताई, कल भी बिताया तो मैं यकीन नहीं करे सर, बच पीने वाले रहते हैं यहाँ बस स्टैंड है, आते जाते कोई भी ठहरते बोल के मैं बात पलटा दी है सर। मैं अपनी बच्ची की एज क्या है? हमारे बच्ची की 7 साल 8 साल की है, छोटी बेटी बोल रही 3 साल, हाँ छोटी आके कम्प्लीट करे, बड़ी छोटी आके मेरे को बोले सर। हाँ जा रहे सर, एक फर्स्ट है एक सेकेंड है, अपना कंप्लेंट करे और कह रहे कंप्लेंट करे, उन लोग सुबह आए तो कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे, हम लोग मारे मारे जाओ जाओ बोल के बोल रहे, कभी भी आए तो कंप्लेंट, अभी 12 बजे हुआ। आप लोगों को 4-5 दिन से जो है देख रहे थे, 4-5 दिन से क्या बच्चिया बोल रहे थे, यकीन नहीं करे सर, कभी वो पीने वाले रहते बस स्टैंड है, वहाँ पे बस स्टैंड है रोड है कोई भी ठहरते ना साहब, बस स्टैंड गाड़ी के लिए उनके लिए ऑटो के लिए ठहरते ना बोल के हम लोग नहीं सुने सर, और हमारी बेटी को ही डरा है, मैं आज ऐसी हुआ मैं ड्यूटी को जाना क्या ऐसी हुआ सर।